आज मैं एक और वर्ब के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब क्या होती है ये डेफिनेशन से हमें पता लग जाएगा। डेफिनेशन है इसकी, दीज वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग, इमोशंस, ओपिनियंस, सेंसेस और पोजिशंस। तो ये जो स्टेट स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेटिव वर्ब होती है ये क्या क्या शो करती है, किसका वर्णन करती है? अ स्टेट ऑफ बीइंग का, इमोशंस का, भावनाओं का, ओपिनियंस हो गया विचार का, सेंसेस जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस करते हैं जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, और पोजिशंस स्वामित्व का ये क्या करती है, बोध कराती है। तो ये नॉन एक्शन वर्ब्स भी कहलाती है, या इनके इनके तीन नाम है, एक तो स्टेटिव वर्ब हो गया, एक स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, और तीसरा नॉन एक्शन वर्ब हो गया। तो ये इतनी बातों का क्या कराती है, बोध कराती है। जरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और बात क्लियर हो जाएगी। पहला है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रेवल, मैं हमेशा यात्रा करना चाहता था। तो देखिए यहां पे करना चाहता था, यहां पे क्या है, ये अपने इमोशन को शो कर रहा। तो यहां पे ये जो है वॉन्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसकी इच्छा को बता रहा है। तो यहां पे वॉन्ट क्या है, वॉन्ट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म वॉन्टेड है, तो यहां पे ये इमोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा जो हमारे पास है एग्जाम्पल वो है, आई वॉच्ड अ ग्रेट मूवी लास्ट नाइट, मैंने एक अच्छी फिल्म पिछली रात को देखी। तो यहां पे देखिए आप, हमारे सेंसेस का यूज ये वर्ब कर रहा है, वॉच मींस देखना, और सेंस क्या क्या होते हैं, हियर वॉच हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया, ये हमारे सेंसेस वर्ब कहलाती है। तो यहां पे देखिए ये जो वॉच है ना, ये थर्ड फॉर्म है इसकी या सेकंड फॉर्म है, ये सेंसेस का क्या कर रही है, यहां पे इसको सेंसेस को डिस्क्राइब कर रही है, सेंस। तीसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, आई अग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं या मैं तुमसे सहमत हूं। तो यहां पे अग्री जो है वो क्या है, ओपिनियन, यहां पे उसकी राय को जाहिर कर रही है, ओपिनियन मीन्स होता है राय। तो अग्री जो है वो वर्ब तो है, लेकिन कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। इसमें ये जो वर्ब है ना, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये नेचुरल वे में होती है। यहां देखिएगा चौथे में, रवि हैज अ पेन, सॉरी रवि हैज अ कार, रवि के पास एक कार है। तो यहां देखिएगा रवि एक व्यक्ति है जिसके पास एक कार है। तो ये जो हैज है ये क्या है, पोजीशन का बोध करा रही है। तो हैज और हैव, और पास्ट में देखें तो हैड, और कंटिन्यूअस में देखें तो हैविंग, तो ये क्या होगी, पोजीशन का बोध कराएंगी ये वो। लास्ट है, कमल इज हैप्पी, कमल खुश है। अब यहां पे कोई काम तो हो नहीं रहा है, तो ये जो इज है ये स्टेट ऑफ बीइंग, ये अवस्था का बोध कराती है, स्टेट ऑफ बीइंग ये अवस्था का बोध करा रही है। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने स्टेटिव वर्ब की जो कैटेगरीज हैं वो आपको यहाँ पे लिख के मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा इसका ये जो पांच हैं, पांच इसके मैंने डिवीजन कर रखे हैं, टू बी, पोजीशन, सेंस, इमोशन, मेंटल स्टेट। तो टू बी में क्या क्या होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, बीन, बींग, ये जो है ये टू बी में आएंगी। पोजीशन दिखाने के लिए हैज, हैव, ये प्रेजेंट में इसका यूज होगा,
हैड का पास्ट में होगा, हैविंग का प्रोग्रेसिव टेंस में होगा। यहां देखें सेंस में साउंड, हियर स्मेल, सी लुक, टच फील। इधर इमोशन, जो मनुष्य के इमोशन होते हैं उसमें लव, हेट, वांट, लाइक, डिसलाइक, विश, होप, ये इमोशन में आएंगे। और मेंटल स्टेट की यदि बात करें हम, तो ये कुछ वर्ब्स हैं, अग्री, डिसएग्री, डिनाई, डिनाई मीन्स मना करना, डाउट संदेह करना, थिंक सोचना, सीम प्रतीत होना, अपीयर प्रकट होना या प्रतीत होना, एस्टोनिश मीन्स होता चकित होना। तो ये जो वर्ब्स है ना, इसमें किसी तरह का फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, नॉन एक्शन वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, नॉन एक्शन एक्शन वर्ब्स और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब इनके नाम है। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नॉन एक्शन वर्ब, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टेटिव वर्ब।